हेलो हेलो, हाय, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए जो मेकअप लुक लेकर आई हूँ वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इजी, और ये उन लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा जिनको कट क्रीज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही इजी तरीके से सिखाने की कोशिश करी है कि अगर आपके पास में ग्लिटर आईलाइनर है तो उससे आप कट क्रीज का इफ़ेक्ट कैसे ला सकते हो। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि फ्लावर मैजिक का जेल आईलाइनर लिया है, ब्लैक वाला जो शेड है वो लिया है, और उससे अपने ब्राउज को डिफाइन किया है। सबसे पहले आज हम यहाँ पर अपना आई मेकअप करेंगे, बेस को हम करेंगे बाद में। तो फिर मैंने यहाँ पे कवर पॉट लिया है कप्स एंड लैशेस का, 02 शेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइट में आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेयर टोन का है ये। तो क्योंकि मुझे कलर को पॉप अप करना था इसलिए मैंने उसको यूज़ किया है। अपनी दोनों आईलिड पे मैंने कंसीलर को अप्लाई करके डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लिया है। अभी यहाँ पर मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, कौन सा वाला पैलेट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इसका डार्क ब्राउन शेड लेके एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से पहले मैंने अपने क्रीज पे इसको अप्लाई कर लिया है। उसके बाद में एक फ्लफी सा ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड आउट किया है। इसके बाद में मैंने पेंसिल ब्रश की हेल्प से ब्लैक आई शेडो लिया है और उसको अपने आउटर वी पे एक विंग की तरह प्लेस किया है, और उसके बाद में एक क्लीन ब्रश की हेल्प से उसको मैं इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो हमारा जो आई शेडो है उसकी कोई शार्प एजेस ना दिखे, आपस में ब्लेंडेड लुक आए। ठीक है, तो उसके बाद में क्या किया है, मैंने ये एक कॉपर पिंक सा शेड लिया है जो कि इसको वेलवेट शेड कहते हैं, मतलब शिमर जैसा लुक आता है इसमें। इसको लेके अपने जो हमारा रेस्ट पार्ट था आईलिड का वहाँ पे फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लिया। इसके बाद में आपको लेना है आपके पास जो भी ग्लिटर आईलाइनर है, मेरे पास ये सिल्वर है तो इसी से मैं इसको इस तरीके से अपने आईलिड का जो हमारा क्रीज लाइन होता है उसको फॉलो करते हुए आईलाइनर वहाँ पे अप्लाई कर लेना है ग्लिटर वाला, और आप जितना थिक और थिन रखना चाहते हैं उस तरीके से आप अप्लाई कर लीजिए। और इससे क्या होगा ना कि आपको बिल्कुल कट क्रीज का लुक आएगा अपने आईज पे। सो लाइनर अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है आईलैश, और आईलैश मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया था क्योंकि उसको लगाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं। सो इसके बाद में फिर मैंने लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर लिया है, उससे अपनी मतलब अपने आईज पर आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है। आईलैश मैंने अप्लाई कर लिया है। मास कॉस्मेटिक का फेस पैलेट लेके मैंने ब्लश, कॉन्टोर और हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे। और ब्लश, कॉन्टोर और हाइलाइटर कहाँ अप्लाई करते हैं ये आप लोग सुन सुन के अब पक चुके होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया। इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये लिपस्टिक अप्लाई किया है कफ्स एंड लैशेस का। गलती में से बस ये हो गई है कि इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करके इसको थोड़ा कलर को मेरे न्यूट्रल करने की कोशिश करी है, जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि शायद मेरे लुक को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था ये वाला शेड। बट स्टिल अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।